नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। अलीगढ़ में अशफाक और उसका 22 सदस्यों का परिवार लंकाधीश रावण के पुतले में आतिशबाजी जान फूंक कर पिछले 22 वर्षों से हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम करता आ रहा है। अशफाक द्वारा तैयार किए गए लंकाधीश रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतले का दहन पर्व पर श्री राम स्वरूप द्वारा अंत किया जाता है। यूं तो विजयदशमी के त्योहारों को अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक माना जाता है, लेकिन अलीगढ़ में ये मौका हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करता है। जी हाँ, और ये है इस मिसाल की तस्वीर, जहाँ ये हिंदू समुदाय के लोग बड़े लगन के साथ अपने हिंदू भाइयों के लिए एक से बढ़कर एक रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाते हैं। असलम मियाँ के यहाँ ये काम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। आज उनके परिवार में मुस्लिम समुदाय के ही कई लोग इस तरह पुतले बनाने का काम में जुटे हुए हैं। उन्हें भी इस बात की खुशी है कि वो अपने हिंदू भाइयों के काम आ पा रहे हैं। हर बार वो कुछ न कुछ खास करते हैं। ऐसे में इस बार बड़ा विशाल रावण का पुतला बनाया गया है। आ रहे हैं और किस किस के काम कर रहे हैं? अशफाक मेरा नाम है, दानपुर के रहने वाले हैं, जिला बुलंदशहर, और ये 42 साल से हम काम करते हैं इसको। हमारे दादा परदादा काम से करते चले आ रहे हैं, और ये काम जो है मैं आतिशबाजी के 3,65,000 में काम है ये, और इसमें जो तरह तरह की खूबियाँ दिखाएंगे सब सालों से बढ़िया, और इसमें हमारे कारीगर आदमी हैं, 22 आदमी काम कर रहे हैं, 1 महीने से काम करते हैं, वही हमें वही मजदूरी वगैरह इसमें लेकर मिलती है हमें इतने करने पे। कितने महीने में, कितने समय में तैयार हो पाता है, कितने रुपए का ठेका होता है? 1 महीना में तैयार होता है, 3,65,000 में काम है ये। तो क्या आपको लगता है लागत के साथ साथ आप जो इसमें कुछ कमा पाते हैं? वही मतलब हमें लागत मजदूरी मिल पाती है, हमें रात और दिन का काम है, 22 घंटा काम करते हैं इसमें रात और दिन। तो फिर क्या इसमें कोई आपको फायदा कुछ खास नहीं पता है, खुशी के लिए करते हैं? मतलब ये फायदा ये है कि मतलब ये मतलब इस काम को करते चले आ रहे हैं, फिर कर रहे हैं इसको, जब समय आता है इस पे फराए आते हैं। खुशी मिलती है आपको इस काम से? हमें खुशी मिलती है इस काम से। लेकिन एक हिंदू मुस्लिम का एकता का प्रतीक है क्यों? हाँ जी, मतलब ऐसा है, हमें तो इस बात से वो नहीं, हमें तो ये बात को खुशी मिलती है कि हम मतलब हैं तो मुसलमान, लेकिन हमें इस बात का कोई विद्रोह नहीं है, हमें तो मतलब खुशी है, हम तो काम को करते चले आ। अच्छा लगता है जी, अच्छा लगता है। ऐसे अलीगढ़ से हमारे संवाददाता अजय कुमार की खास रिपोर्ट।